मित्रों, आप सब किसान हो जो हमारे देश के लिए अनाज उगाते हो, आप अनाज उगाते हो तभी सबको पोषण मिलता है, खाना मिलता है। चाहे बारिश हो, ठंडी हो या कितनी भी धूप हो, आपका कार्य अविरत चलते ही रहता है। वो कभी रुकता नहीं, न कोरोना के महामारी में रुका, न इतिहास में कभी किसी कारणवश रुका और न भविष्य में कभी रुकेगा। ये वो अश्वमेध यज्ञ है जो चलता ही रहेगा। आपकी मेहनत के कारण ही आप अन्नपूर्णा के सच्चे पुत्र कहलाते हो। ऐसे महान अन्नपूर्णा के पुत्रों को हमारा शत शत प्रणाम। दोस्तों, आज के किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, इसके कारण भी अनेक हैं। 80% किसानों के पास बेहद छोटी जमीनें हैं। इसका मूल कारण है परिवार का बढ़ना और जमीनों का विभाजन होना। इन छोटे खेतों के कारण किसानों की जेब और उनके परिवारों के पेट पूर्ण तरीके से नहीं भर पाते। कई गांव सूखे की मार झेल रहे हैं तो कई गांवों को बारिश बहा रही है। कहीं फसल टिड्डे और कीड़े खत्म कर रहे हैं और कहीं अनाज का भाव मिट्टी के उसे उगाने की मेहनत को न्याय नहीं देता। ऐसी कई समस्याओं से किसान पीढ़ियों से जूझ रहा है। पुराने जमाने की तुलना में आज का जीवन स्तर काफी बढ़ चुका है। आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, परिवार में हिस्से बढ़ रहे हैं। आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा लें, परिवार का स्वास्थ्य बना रहे। जरूरतें बड़ी हैं और उन सब का बोझ है उस परिवार के कर्ता धर्ता किसान भाइयों के कंधों पे। इसी बोझ के ऊपर कष्टों का पहाड़ अपना डेरा जमाने लग जाता है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती नहीं कि अतिरिक्त शिक्षा का खर्च, बीमारी में अस्पताल का खर्च, परिवार में शादी का खर्च आन पड़ता है, जिसके पैसे शायद ही पहले हाथ जमा हो। जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसान लेता है कर्ज और डूब जाता है ब्याज के फेरों में। उस पर अगर वो कर्ज साहूकार का हुआ तो अगला पिछले सब कुछ गंवाने की नौबत आ जाती है। इन सब के बाद भी अगर समस्याएं खत्म न हो तो किसान अंदर से टूटने लगता है, उसका मनोबल पस्त हो जाता है। नाउम्मीद किसान बिना सहारे अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, या शायद अपने जीवन का आखिरी कदम आत्महत्या। ये फैसला उसके साथ उसके परिवार पर भी इस कदर हावी होता है कि पूरी जिंदगी भर इस दुख और बढ़ती जिम्मेदारियों को उसका पूरा परिवार जैसे तैसे ही झेल पाता है। हमारा उन सारे किसानों से ये कहना है कि अपनी शक्ति आप पहचान लो। आप अन्नपूर्णा के सपूत हो जो सारे विश्व का पेट भरती है। उनकी ताकत आप में भी समाई है, उसे पहचानो। ईश्वर भी तुम्हारे साथ है। आने वाला कल बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका जीना जरूरी है। आत्महत्या कोई उपाय नहीं। हमारी बाकी सबसे भी विनती है कि अगर हम इन मजबूर किसानों की मदद अपने हिस्से की आधी रोटी देकर भी कर सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी से शुरुआत होती है किसानों की समस्याओं के निवारण की क्रांति की। दुनिया भर की सरकारें, देश, किसान नेता, संस्थाएं, ट्रस्ट, एनजीओ, विविध कंपनियां इन समस्याओं का निराकरण खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या ही इतनी बड़ी है कि इसका इलाज ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आज हम आप सबसे बात करने आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान है? जी हां, है। इस समस्या का समाधान ढूंढा है बेहद काबिल डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप जी ने। यही समाधान आज हम उनकी तरफ से सिर्फ भारतवर्ष के किसानों के लिए लाए हैं। डॉक्टर श्याम जी मुंबई के डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं। ये कंपनी इनके माताजी श्रीमती मीरा शिवाजी घोलप जी के नाम पे शुरू की गई है। एक व्यक्ति जीवन में जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, वो डॉक्टर श्याम अपनी MBBS की डिग्री और कलेक्टर की पोस्ट के साथ मुकाम हासिल कर चुके हैं। उन्होंने इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए आप किसानों के लिए एक हल खोज निकाला है।
MCL कंपनी भारत के हर तहसील में एक प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, जिसका नाम है MCL बायोफ्यूल एस्टेट। इस प्रोजेक्ट में आपके खेत से निकला वेस्ट जैसे पराली, बायोमास को प्रोसेस करके उसमें से हम बायो CNG और ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। इसमें आपके खेत के वेस्ट से लेकर घर का वेस्ट, होटल का वेस्ट, सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये भी पर्याप्त मात्रा में मिलना मुश्किल है। इसके लिए हमारा मुख्य रॉ मटेरियल होगा हाथी घास या नेपियर ग्रास। इसे गन्ने की तरह लगाया जा सकता है। इसकी उपज एक बार लगाने के बाद 5 से 8 साल तक मिलती है। पहली फसल 3 महीने में और अगली फसल हर 1.5 से 2 महीने में की जा सकती है। 1 एकड़ में हर साल 150 से 250 टन की उपज काटी जा सकती है। इस उपज को सीधे हम आपसे खरीदेंगे, वो भी 1,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से। इसी तरह हर साल 1.5 से 2 लाख की कमाई की जा सकती है, वो भी बिना किसी केमिकल खाद का इस्तेमाल किए। इसमें आपका खर्च भी कम है और कमाई भी कई ज्यादा है। शुरू में हर तहसील के प्रोजेक्ट के लिए 100 टन नेपियर घास की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए हर तहसील में 500 एकड़ जमीन लगेगी। इस हिसाब से 50 ग्राम पंचायतों की गिनती में हर ग्राम पंचायत को 10 एकड़ की जिम्मेदारी दी जाएगी। आगे चलकर इन प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा। 10 टन से उपज 100 टन बायो CNG प्रतिदिन की जाएगी। इसे लागू होने में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। तब प्रतिदिन हमें 1000 से 1500 टन नेपियर घास लगेगी। ये आप किसानों के लिए बेहद सुनहरा मौका है अधिक कमाई पाने का। जो सपने आज तक तंगी की वजह से अधूरे थे, उसे पूरा करने का, खुद से अधिक सक्षम बनने का। आज कोरोना की परिस्थिति बिकट है, पिछले साल का खौफ इस साल बढ़ गया है। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन तकलीफ आज भी उतनी ही है। दूर शहरों में काम करने वाले मजदूर आज मजबूरी में वापस गांव आ रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिले तो उन्हें भविष्य में इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी विशाल सपने को पूरा करने का काम हमारी कंपनी MCL कर रही है, क्योंकि MCL सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक मिशन है, भारत को फिर से उन्नत बनाने का। भारत की बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 का यूट्यूब पे गडकरी जी के भाषण को मद्देनजर रखें तो किसानों के द्वारा इस क्षेत्र में क्रांति होने जा रही है। हमारे देश में हम लोग 7 लाख करोड़ का ये पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे देश का किसान तैयार कर सकता है। ये दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, इसका कारण जो राइस स्ट्रॉ है, परली जो जलाते, इसके कारण हो रहा है। अब हमने निर्णय किया है, पेट्रोलियम मंत्री जी ने, अब वो कन्विंस हो गए। मैंने कहा क्यों 70-70 हजार करोड़ की रिफाइनरी डालते हो, ये किसानों को तैयार करो। और अभी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल यानी मोलासेस टू इथेनॉल बनता है, सेकंड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बांबू, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बांबू बड़ा हुआ है, उससे इथेनॉल बनता है। और थर्ड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉर्न, राइस कट, इससे बनता है। अब भारत सरकार ये पॉलिसी बनाई, कैबिनेट के पास आई है, अब इससे एक नया रिवोल्यूशन हो रहा है। अब गेहूं और चावल लगाकर किसानों की तस्वीर नहीं बदल सकती। 1 टन राइस स्ट्रॉ से, परली से 280 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और मैं कोई भी चीज प्रूफ के सिवा बात नहीं करता। मैंने उस दिन, नीतीश कुमार मेरे घर पर आए थे, उस दिन बजाज ने एक बाइक, एक ऑटो रिक्शा, एक इलेक्ट्रिक ऑटो मेरे घर पर लाई थी। 100% बायो इथेनॉल पर बाइक चलती है, ऑटो रिक्शा चलता है, और मेरे शहर में 55 एयर कंडीशन बसेस चलती, ग्रीन बसेस, जो ये किसानों के तैयार की है। बांबू से बनेगा, ये राइस स्ट्रॉ से बनेगा, और ये निर्णय भारत सरकार ने किया है। और अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में ये है कि एक ही पेट्रोल, यही टोयोटा, होंडा, फोर्ड, BMW, यही गाड़ियां है वहां, उसमें लिखा है फ्लेक्स इंजिन, उसमें आप 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा इथेनॉल, बायो CNG, बायो डीजल, मिथेनॉल, इसी पर एक बार कभी बैठेंगे, मैं आपको बताऊंगा
हमारे देश के गांवों की हालत ही बदल देगा। ये बगास निकलता है उससे भी इथेनॉल बनता है। अब इसके कारण पूरे कम से कम देश में 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है और 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। लेकिन इसलिए सारे किसानों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है, जो MCL के द्वारा किया जा रहा है। आज तक भारत के इतिहास में जो नहीं हुआ वो MCL के द्वारा किया जा रहा है। हम आप किसानों को हमारी कंपनी में हिस्सेदार बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा कदम है। इस कार्य के लिए हमें हजारों किसानों को एक साथ जोड़ने की व्यवस्था करनी है। इसी व्यवस्था को हम MPO MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाएंगे। हम हर तहसील में एक MPO बना रहे हैं। भारत में व्यवसाय करने के लिए 2 मॉड्यूल हैं, एक कोऑपरेटिव और एक कॉरपोरेट। इन दोनों का मिश्रण है FPO। इसका कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें आजीवन एक मालिक नहीं हो सकता। ये FPO किसानों को सदस्य बनाकर एकजुट करती है। सदस्यता के दौरान लिए गए पैसों से वो किसानों के भले का काम करते हैं। किसानों को खाद बीज उपलब्ध करना, उनके उपज को बाजार दिलाना, उन्हें गोडाउन दिलाना, ये सब काम किसान उत्पादक कंपनी करती है। आज भारत में करीब करीब 10,000 ऐसी कंपनियां हैं जो ये कार्य कर रही हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। ये सारा कार्य हमारे यहां भी होगा, लेकिन इसके साथ हम आपको अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको इस कंपनी में भागीदार यानी मालिक बना रहे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी कंपनी या FPO का सदस्य बनना हो तो उसमें निवेश करना पड़ता है। जहां बाकी FPO आपसे 1,000 या 5,000 या 10,000 इत्यादि रकम लेती हैं, हम आपसे प्रति शेयर 10 रुपयों के हिसाब से 25 शेयर यानी 250 रुपए और उसी के साथ अधिक 250 रुपए प्रोसेसिंग फीस मिलाकर 500 रुपए ले रहे हैं। इतनी सामान्य राशि में आप हमारी यानी आप ही की कंपनी में भागीदार बन सकते हैं। ये रकम आपके और हमारे बीच हुए कानूनी करार को दर्शाएगी, जिससे आपका हक इस कंपनी में कानूनी तौर पर माना जाएगा और आपको भविष्य में कानूनन अपना हिस्सा मिलता ही रहेगा। अब सवाल यह है कि इस FPO के कारण आपको क्या लाभ होगा। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। आप सबको एकजुट करके देश की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। इसी के प्रभाव से असमय बारिश, बाढ़ या सूखा होने के कारण चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। प्रमुख तौर पर हम इसी का उपाय लेकर आए हैं। इसी के साथ गांव के कचरे की समस्या, रोजगार की समस्या इत्यादि आर्थिक तकलीफों का समाधान हम लाना चाहते हैं। हर साल विदेशी ईंधन खरीद पे होने वाले 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च हम कुछ हद तक बचाना चाहते हैं और वही पैसे हम आपके हाथ में रखना चाहते हैं। आपसे इसका रॉ मटेरियल लेकर उसे प्रोसेस करके हम बायो CNG और जैविक खाद जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, जो हमारे देश की ईंधन और जैविक अनाज की जरूरत को पूरा करेगा। उसका सीधा नफा आप लोगों को मिलेगा। इससे गांव के द्वारा तहसील, तहसील के द्वारा जिले, जिले के द्वारा राज्य और राज्य के द्वारा राष्ट्र का विकास संभव होगा। इस कार्य में जिसने जितना निवेश किया है उसे उतना ज्यादा डिविडेंड यानी आर्थिक फायदा भी होगा। इस कंपनी के कारण पूरे तहसील में 500 से लेकर 2,500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये रोजगार हम हमारे सदस्यों को ही उपलब्ध कराएंगे। ये रोजगार आपके हक का है जो आपको ही मिलेगा। पहले बायोमास फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम चुनिंदा लोगों के साथ करके आगे लोगों की संख्या बढ़ाएंगे। आप जो केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं वो बेहद खतरनाक है, इससे कैंसर होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब से राजस्थान जाने वाली एक ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ कैंसर पेशेंट को उनके इलाज के लिए ले जाया जाता है। इसमें बहुतांश मरीज ऐसे ही केमिकल के शिकार हैं और हम ये बदलना चाहते हैं। हम आपको अच्छी गुणवत्ता का खाद देकर आपसे जैविक खेती करवाएंगे। आपसे उपज लेने और प्रोडक्ट बेचने की व्यवस्था भी हम ही करेंगे।
आपकी उपज आपसे कम दाम पे लेकर मार्केट में दुगने दाम पर बेची जाती है, लेकिन वो फायदा आपको नहीं मिलता। ये फायदा भी आपको मिले इसकी व्यवस्था MCL के द्वारा की जाएगी। जैविक खेती के लिए हर सुविधा MCL के द्वारा की जाएगी। आप लोगों को एक डिस्काउंट कार्ड भी दिया जाएगा, जिसकी सहायता से सदस्यों को भविष्य में बनने वाले MCL के हर उत्पादों में छूट दी जाएगी। अब आपको पता चला एक बार निवेश करने पर आपको कितना फायदा हो सकता है। यही नहीं, ये सुविधा आपको MCL के हर प्रोडक्ट पर आजीवन मिलेगी। तालुका स्तर के फैक्ट्री में आपको आपके निवेश के अनुपात में शेयर के रूप में हिस्सेदारी मिलेगी, जो आपके MPO को दी जाएगी। अगले 7 से 8 साल बाद जब इस कंपनी का IPO होगा, तब इसी शेयर की कीमत कई गुना बढ़ेगी, जिसका फायदा भी आप ही को होगा। मित्रों, MCL अपनी कमाई का 20% हिस्सा आजीवन आपके तहसील के विकास के लिए और आपके परिवार की समस्या का निवारण और आपकी उन्नति के कार्यों के लिए खर्च करेगी, और ये राशि करोड़ों रुपए में होगी। मित्रों, जब हमारे पास पैसे हों तो हमें किसी के पास हाथ फैलाने की क्या जरूरत। हम सब मिलकर खुद के लिए काम कर सकते हैं, और ये अवसर MCL के माध्यम से हमारे पास आया है। हमें कई बार ये पूछा जाता है कि आपसे पहले जितनी कंपनियां आई, जो पैसे ऐंठ कर भाग गई, वो सारी फर्जी निकली। आप पे हम कैसे भरोसा करें कि आप फर्जी नहीं। इस पर हमारा एक ही जवाब है, उन फर्जी कंपनियों के पास हमारे जैसे वैज्ञानिकों और खास करके कलेक्टर का भरोसा नहीं था। ये सिर्फ भरोसा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये कार्य हम एक पूर्ण रूप से अनुभवी और भरोसेमंद टीम के द्वारा कर रहे हैं। अब बारी है आपकी, बस देर है कि आप खुद पर भरोसा रखें। रही बात पैसों की, तो आप जैसे मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए हर 3 महीने में रिफिल करते हैं, उसके उलट यहाँ आपको सिर्फ एक बार पैसे देकर आजीवन लाभ उपभोगना है, और रकम भी बिल्कुल मामूली, इतनी की जितनी हर महीने हम फिजूल खर्चों में उड़ा देते हैं। वही पैसा यहाँ निवेश करना है और अपनी ही प्रगति में हाथ बढ़ाना है। अब ये योजना राष्ट्र स्तर पर बहुत बड़ी होने जा रही है। आने वाले समय में इसी योजना के कारण आप सबको बहुत लाभ होगा। इस सफर में आपके कदम हमारे कदमों के साथ ताल मिलाए, यही हमारी इच्छा है। तो हम आप सबको भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के MCL के इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने देश का पुनः निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हम सब मिलकर हमारे भारत को फिर से एक सुजलाम सुफलाम राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।